आइए देखते हैं ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मशीन। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, मान लेते हैं कि रोटर फील्ड, जब हम स्टेटर फील्ड हमारी घूम रही है, हमने थ्री फेज सप्लाई एक थ्री फेज स्टेटर जो कि डिस्प्लेस्ड है स्पेस में 120 डिग्री अपार्ट, उसमें हमने थ्री फेज सप्लाई दे दी। जब स्टेटर में हमने थ्री फेज सप्लाई दी तो हमने ये पाया कि स्टेटर की जो फील्ड है वो रोटेट कर रही है। स्टेटर की फील्ड कितनी तेज रोटेट कर रही है, तो आपने कहा सर स्टेटर की फील्ड हमारी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है, ns स्पीड से रोटेट कर रही है, जहां ns होता है 120 f/p। मैं बात करूंगा ns कैसे 120 f/p मैंने निकाला है, इस बारे में आगे बात करूंगा। देखिएगा जरा, ये हमारे पास हो गया स्टेटर और इसे मैं मान लेता हूं रोटर। ये जो मैंने बनाया है इसका मतलब है रोटर बॉडी, ओके, और स्टेटर बॉडी। तो आपने कहा सर रोटर का मान लीजिए हमारे पास है कंडक्टर, ओके। लेट अस कंसीडर क्लॉकवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेशनरी रोटर, यानी रुके हुए रोटर पे, ये हमारा रोटर है, रुके हुए रोटर पे एक क्लॉकवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। जो क्लॉकवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ का हिस्सा मैंने बना रखा है, ये इस डायरेक्शन में ये फील्ड रोटेट कर रही है, ये कहलाएगा रोटर का कंडक्टर। तो अगर फ्लक्स घूम रहा होगा और कंडक्टर रुका हुआ होगा तो क्या d∅/dt होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। आपने कहा सर हमारा कंडक्टर रुका हुआ है और फ्लक्स इसको ऐसे काट रहा है, ये फ्लक्स घूम क्यों रहा है? क्योंकि हमने थ्री फेज सप्लाई दी है स्टेटर को, और जब हमारा थ्री फेज स्टेटर जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है स्पेस में, उसको हमने थ्री फेज सप्लाई करंट दी है जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है टाइम में, तो ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक इंस्टेंट पकड़ लेते हैं। आपने कहा सर ये हमारा फील्ड रोटेट कर रहा है, कंडक्टर रुका हुआ है, तो लेट अस कंसीडर अ क्लॉकवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेशनरी रोटर कंडक्टर, दिस सजेस्ट देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। आपने कहा सर यहां पर जो असर होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा अगर हम स्टेटर की फील्ड को रोक दें और रोटर को घुमा दें, है ना। यहां पे हमारा रोटर क्या था? स्टेशनरी रोटर था, स्टेशनरी रोटर था, और फील्ड हमारी रोटेटिंग थी, रोटेटिंग फील्ड थी, रोटेटिंग फील्ड थी, स्टेशनरी रोटर था। आपने कहा सर असर सेम पड़ेगा, अभी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी में समझाया था, असर सेम पड़ेगा अगर फील्ड को रोक दिया जाए और स्टेटर रोटर को उल्टा घुमा दिया जाए, तो मैं रोटर को इस डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर दूं और फील्ड को रोक दूं। तो आपने कहा सर ये जो है हमारा वो स्टेशनरी फील्ड हो जाए, स्टेशनरी फील्ड हो जाए और रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करे, ये हमारा रोटर का कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में हमने मोशन दिखाया है, ये हमारा कंडक्टर है, रोटर कंडक्टर। तो आपने कहा सर असर सेम पड़ेगा, दोनों फिगर में जो असर है वो सेम पड़ेगा, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है और रोटर का कंडक्टर है। हमने कहा कि अगर क्लॉकवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रोटर के कंडक्टर को काट रहा होगा तो वो इस तरह से काटेगा, इसके बजाय अगर हम फील्ड को रोक दें, यानी फील्ड को रोक दें और कंडक्टर को उल्टा घुमाएं, तो असर एग्जैक्टली सेम पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में कट करेगा। तो आपने कहा सर अगर सेम डायरेक्शन में कट करेगा तो सेम असर पड़ेगा, ठीक है। सो इट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्टेशनरी रोटर प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, द सेम इफेक्ट इज फाउंड इफ द रोटर इज रोटेटिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नाउ प्लीज ऑब्जर्व,
हम सबको पता है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, फील्ड को रोक दिया और रोटर को क्या कर दिया, उल्टा घुमा दिया। तो आपने कहा सर यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, नाउ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। सो ये अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड है और ये अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी, ये आपने कहा सर आउटवर्ड होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ओके, सो इट कैन बी मार्क्ड इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर एज आउटवर्ड। और आपने कहा सर हम सबको पता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं कि अगर ये आपकी फील्ड है और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करके हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो आपने कहा, फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास एक रोटेटिंग फील्ड है क्योंकि हमने स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रोटर के कंडक्टर को कट कर रही है। इसका असर वैसा ही होगा जैसा स्टेशनरी फील्ड में रोटर के कंडक्टर को उल्टी दिशा में घुमाया जाए। तो आपने कहा सर एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डी फाइव बाई डी टी की वजह से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाता है कि यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में लेंज बताते हैं और लेंज को हमने राइट हैंड रूल से निकाला। तो आपने कहा सर कर इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में बहने वाली करंट के टर्म में आएगी। अब आपने कहा सर अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रही है, चूंकि रोटर का सर्किट हमेशा कंप्लीट होता है इंडक्शन मशीन के केस में, या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस से इन केस ऑफ स्लिप रिंग या फिर एंड रिंग्स के थ्रू, यानी इन केस ऑफ स्क्विरल केज। तो चूंकि रोटर का सर्किट हमेशा कंप्लीट होता है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट बहाएगा। और अगर करंट बहेगा तो आपने कहा सर व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की जाए तो अगर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो फोर्स कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में। तो आपने कहा सर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। तो आपने कहा सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रही है। यहां पे आउटवर्ड करंट आई और चूंकि ये करंट बह रही है क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो इस वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स आया। आपने कहा सर हम ये देख पा रहे हैं कि चूंकि ये फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स की वजह से रोटर उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। चूंकि रोटर रोटर के स्लॉट में रखा हुआ है, चूंकि रोटर का कंडक्टर रोटर के स्लॉट में रखा है तो निकल के बाहर नहीं आ जाएगा। ये फोर्स कैसा हो जाएगा, टेंजेंटियल हो जाएगा। और जब ये फोर्स टेंजेंटियल हो जाएगा तो ये फोर्स टॉर्क का फॉर्मेट ले लेगा और इसलिए रोटर उसी डायरेक्शन में चालू हो जाएगा जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रही है। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, सो आपने कहा सर एक बार फिर से समझिएगा, इसी चीज को समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा लेता हूं। ये हमारे पास है थ्री फेज स्टेटर। जब हम थ्री फेज स्टेटर को सप्लाई देते हैं थ्री फेज स्टेटर को तो इसकी वजह से हमारे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए इस समय यहाँ पर नॉर्थ और साउथ आई और ये इस डायरेक्शन में इस तरह से घूम रही है। तो आपने कहा सर ये घूमती हुई फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करेगी, ये घूमती हुई फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करेगी, जिसकी वजह से रोटर की बॉडी में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी जानने के लिए आप फील्ड को रोक दीजिए और कंडक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए। तो आपने कहा सर यहां पर अगर हम कंडक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी आएगी वो यहां आउटवर्ड और यहां पर आपने कहा सर इनवर्ड। तो इस हिसाब से आपने कहा सर रोटर में बहने वाली करंट ऐसे बहने वाली, चूंकि रोटर की सर्किट कंप्लीट है,
ये रोटर का स्मॉल ए डैश कर देता हूँ। तो जो रोटर का ए ए डैश है वो कुछ ऐसा है। तो आपने कहा सर रोटर की सर्किट कंप्लीट है, तो ये जो हमारे पास ए और ए डैश में करंट आ रही है वो हमारी फ्लो होगी आउटवर्ड और इनवर्ड। अब ये बहने वाली करंट एक फील्ड बनाएगी, ये जो बहने वाली करंट है वो एक फील्ड बनाएगी। वो फील्ड कैसी बनाएगी? आपने कहा सर इधर बहने वाली करंट इस तरीके से एक फील्ड बनाएगी, इधर बहने वाली करंट इस तरीके से एक फील्ड बनाएगी, यहाँ नॉर्थ और इधर कहीं साउथ का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी आउटवर्ड बहने वाली करंट इधर एक फील्ड बना रही है, इनवर्ड जाने वाली करंट इधर एक फील्ड बना रही है, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ रोटर का फॉर्म हो रहा है। ये रोटर का जो नॉर्थ है वो हमेशा स्टेटर के साउथ की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा और इस वजह से ये आपका फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बारे में फ्लेमिंग्स ने बताया था। तो हम सबको पता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल क्रिएट अ पोल, ड्यू टू पोल अट्रैक्शन देयर विल बी अ रोटेशन और यू कैन से देयर विल बी अ फोर्स। ओके, तो ये मशीन उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी जिस डायरेक्शन में हमारी फील्ड घूम रही है। तो इंडक्शन मशीन चालू कैसे होती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी दिनों से चला आ रहा है कि हाउ द इंडक्शन मशीन इज गोइंग टू स्टार्ट। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ फ्यू लाइंस। व्हेन अ थ्री फेज स्टेटर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री सप्लाइड बाय थ्री फेज करंट डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय 120 डिग्री अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विच रोटेट्स इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। दिस रोटेटिंग फील्ड कट्स द रोटर कंडक्टर एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द रोटर कंडक्टर। सिंस रोटर सर्किट इज कंप्लीटेड थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज और थ्रू द एंड रिंग्स दिस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉजेस करंट टू फ्लो। बिकॉज ऑफ द करंट देयर विल बी अ पोल फॉर्मेशन ऑफ द रोटर and due to the pole of rotor and stator attraction rotor start rotating in the direction of field। I'm hoping कि आपको मेरी बात समझ में आई है। तो से इंडक्शन मशीन कैसे चालू होती है? जब थ्री फेज स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की बॉडी को कट करती है और रोटर की बॉडी में ईएमएफ इंड्यूस करती है। ये जो इंड्यूस डीएमएफ क्रिएट करती है, ये इंड्यूस डीएमएफ रोटर की बॉडी में करंट बहाता है क्योंकि रोटर की सर्किट हमेशा कंप्लीट होती है। बहने वाली रोटर की करंट की वजह से रोटर के पोल फॉर्मेशन होते हैं। रोटर के पोल और स्टेटर के पोल के बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से मोटर हमारी घूमती है। ओके, सो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन था। आपने कहा सर चूंकि ये क्या ये मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे घूम सकती है? मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे घूम सकती है तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंक्रोनस रफ्तार से चल रहा है, यानी आपने कहा सर अगर ये एन जो है वो सपोज करिए हमारी 1500 आरपीएम से चल रहा है और अगर रोटर भी 1500 आरपीएम से चलने लग गया तो देयर विल बी नो फ्लक्स कटिंग क्योंकि ये सेम जगह पे ही रह जाएगा। अगर कंडक्टर और फील्ड दोनों एक रफ्तार से चलेंगे तो क्या कभी भी फ्लक्स कटिंग होगा? आपने कहा सर कभी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। और अगर कभी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगी, कोई करंट नहीं होगी तो रोटर के कोई पोल नहीं होंगे और रोटर के अगर कोई पोल नहीं होंगे तो एवरी बॉडी वॉन्ट्स टू बी इन रेस्ट। रोटर भी तो रेस्ट में रहना चाहता है ना, एवरी बॉडी वॉन्ट्स टू बी इन रेस्ट। तो अगर आप कहोगे तो रोटर की इनर्शिया खुद रोटर को कहाँ ले आएगी? बैक ले आएगी। इसका मतलब ये इंडक्शन मशीन आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल सकती। किसी भी कंडीशन में इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल सकती। हाँ, इसे सुपर सिंक्रोनस या सब सिंक्रोनस पे चलाया जा सकता है डबल ई फेड करके, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे चलाया नहीं जा सकता। सो इंडक्शन मशीन कैन नॉट रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मशीन ऑलवेज रन्स एट अ स्पीड slightly less than synchronous speed and this will generate it। यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि ये हमें इस कंक्लूजन पे लाता है कि इसका मतलब मशीन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है। तो कितनी कम है और कितनी कम है और कैसे हम आगे जाके यही सीखेंगे कि हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, अगर मैं स्लिप और स्पीड की बात करता हूँ, अब स्लिप का मतलब क्या है? लिटरली अगर हम बात करें तो स्लिप का मतलब हो गया आपका फिसलना।
तो यहाँ पर क्या चीज फिसल रही है? आप कहोगे सर रोटर जो है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से फिसल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है, लेकिन रोटर की जो स्पीड है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड ही पॉसिबल है, क्योंकि आपका सिंक्रोनस मशीन कभी भी इंडक्शन मशीन कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं कर सकता। तो आपने कहा सर अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, यानी जो स्पीड रिवॉल्विंग फील्ड की है वही स्पीड अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं कि वही स्पीड हमारे रोटर की भी है, तो आप ये कहोगे सर देयर विल बी नो फ्लक्स कटिंग। When there will be no flux cutting, there will be no induced DMF. When there will be no induced DMF, there will be no current. When there will be no current, there will be no torque. क्योंकि अगर कोई करंट नहीं है तो आपका कोई रोटर का कोई मैग्नेट नहीं फॉर्म होगा, और अगर रोटर का कोई मैग्नेट नहीं फॉर्म हो रहा तो फील्ड आपका जो है रोटेशन जो मशीन है वो आपकी रोटेट नहीं कर सकती। देखिएगा आपने कहा सर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब हुआ ns is equals to 120 f by p, जहाँ पे ये जो आपका f है वो है सप्लाई करंट। तो आपने सप्लाई करंट फ्रीक्वेंसी, सप्लाई करंट फ्रीक्वेंसी। तो आपने कहा सर अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड से फील्ड घूम रहा है, क्योंकि हमने थ्री फेज स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी है, हमने थ्री फेज स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जिसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आई, तो ये नॉर्थ और साउथ जो है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। ये घूमता हुआ फील्ड इसे कट करता है जिसकी वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन अगर रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा होगा तो देयर विल बी नो फ्लक्स कटिंग। सो देयर विल बी नो फ्लक्स कटिंग इट मींस देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हेन देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर विल बी नो करंट। जब यहां पर कोई करंट ही नहीं होगी तो रोटर के कोई पोल फॉर्म नहीं होंगे, और इस वजह से रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड से घूम नहीं सकता। रोटर जब भी घूमेगा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगा। सो इंडक्शन मशीन का रोटर हमेशा आपका सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमता है। अगर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमेगा तो यहाँ फ्लक्स कटिंग होगी। आपने बोला सर फ्लक्स कटिंग होगी तो ये आपका डॉट और ये आपका क्रॉस आएगा, जिसकी वजह से ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ रोटर का फॉर्म होगा। तो ये नॉर्थ और इस वाले साउथ के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आता है, और इस वजह से हमारी मशीन इंडक्शन मशीन घूम पाती है। तो आपने कहा सर रोटर जब भी घूमेगा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमेगा। अब स्टेटर की फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है और रोटर की बॉडी एनआर स्पीड से घूम रही है, तो रोटर की बॉडी फील्ड को स्लिप करती जा रही है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्लिप। सो आपका इंडक्शन मशीन कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, सो स्लिप इज डिफाइंड एज द पर यूनिट डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ फील्ड एंड रोटर in terms of stator field, that is ns minus nr upon ns, that is what we called slip, and it is represented by s. So you can say sir s ns will become ns minus nr, yani ye aapka kehlata hai a slip speed, slip speed, यानी इस स्पीड से आपका रोटर जो है वो स्लिप पास्ट होता जा रहा है फ्रॉम द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। यानी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए आपकी घूम रही है थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेता हूँ 1500 आरपीएम से, और रोटर मान लीजिए आपका घूम रहा है 1450 आरपीएम से, तो आप बोलोगे सर हमारी स्लिप स्पीड कितनी एग्जिस्ट कर रही है, 1500 माइनस 1450 दैट इज इक्वल्स टू 50 आरपीएम। इसका मतलब रोटर की बॉडी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को स्लिप पास्ट करती जा रही है 50 रोटेशन पर मिनट की रफ्तार से। क्या मेरी बात समझ पाए? सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ स्लिप स्पीड। इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, इट ऑलवेज रोटेट एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्पीड एंड द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। सो व्हाट इज स्लिप स्पीड? यू कैन से स्लिप स्पीड इज द डिफरेंस
between actual speed, difference between synchronous speed of revolving field, synchronous speed of revolving field या rotating field and speed of actual speed of rotor, actual speed of rotor. Okay, so this is what we call slip speed. With this speed the rotor is slip past from the stator magnetic field. Okay, कोई भी दुनिया में कोई भी मोटर अगर बनाई जाए तो मोटर हमेशा इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे ही काम करता है. तो अगर मैं कोई भी मोटर बनाऊं तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टेटर पोल और नंबर ऑफ रोटर पोल इक्वल होना कंपल्सरी है. अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन एनी रोटेटिंग मशीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एनी रोटेटिंग मशीन Number of stator pole must be equals to number of rotor pole. अगर स्टेटर के पोल रोटर के पोल के बराबर ना हो तो मशीन हमारी घूम नहीं सकती. आइए इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटर है और स्टेटर हमारे पास चार पोल का है, नॉर्थ साउथ ओके, और रोटर हमारे पास सपोज करिए दो पोल का है, साउथ नॉर्थ. अगर रोटर हमारे पास दो पोल का है और स्टेटर हमारे पास चार पोल का है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा एग्जिस्ट करेगा? क्लॉकवाइज. जबकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा एग्जिस्ट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो ना मशीन क्लॉकवाइज घूम सकती है ना एंटी क्लॉकवाइज. मशीन कैनॉट रोटेट ओके. यही अगर मैं बात करूं चार पोल का स्टेटर और चार पोल का रोटर तो मशीन में रोटेट. आपने बोला सर मान लीजिए हमारे पास चार पोल का स्टेटर है और चार ही पोल का रोटर भी फॉर्म हो रहा है, नॉर्थ साउथ और चार ही पोल का रोटर भी फॉर्म हो रहा है, साउथ नॉर्थ. तो आप बोलोगे सर देर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, there will be a force of attraction between rotor north and stator south, there will be a force of attraction between rotor south and stator north, there will be a force of attraction between rotor north and stator south. So machine can rotate. यानी आप कह सकते हो सर कोई भी मशीन हो, चाहे वो इंडक्शन हो, सिंक्रोनस हो या डीसी हो, मशीन तभी रोटेट कर सकती है जब नंबर ऑफ स्टेटर पोल नंबर ऑफ रोटर पोल्स के बराबर हो. अगर नंबर ऑफ स्टेटर पोल नंबर ऑफ रोटर पोल्स के बराबर नहीं है तो मशीन रोटेट नहीं कर सकती. ओके, नाउ वन मोर थिंग प्लीज ऑब्जर्व, वी हैव वन मोर थिंग दैट इज इक्वल्स टू, यू कैन से सर frequency of induced emf depends upon p delta n by 120, where delta n is relative speed between field and winding, So आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या होता है? P डेल्टा n बाय 120. मैं डिराइव करता हूं कि क्यों, और डेल्टा n इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग. आइए देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है. जहां पे p नंबर ऑफ पोल्स है, आप बोलेंगे स्टेटर का या रोटर का, तो मैं बोलूंगा किसी भी मशीन को एज अ जनरेटर या मोटर ऑपरेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेटर पोल नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर ही होने चाहिए. तो अगर नंबर ऑफ स्टेटर पोल नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर नहीं है तो कोई मशीन ना तो मोटरिंग मोड में चल सकती है ना तो जनरेटिंग मोड में चल सकती है. तो ये जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, ये नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ मशीन है, ये नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ स्टेटर भी है, ये नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ रोटर भी है. डेल्टा एन इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड बाइंडिंग एंड दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. आइए इस बात को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेटिंग मशीन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो किसी भी मशीन में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है P डेल्टा n बाय
20. इस बात को समझने के लिए मैं सिंपल लूप जनरेटर का यूज करता हूं. ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व अ सिंपल लूप जनरेटर. ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व अ सिंपल लूप जनरेटर. मैं एक लूप जनरेटर की बात करता हूं. सपोज करिए हमारे पास एक लूप जनरेटर की बात करता हूं. सपोज करिए हमारे पास एक फील्ड है, वो ये हो गई आपकी नॉर्थ और साउथ. प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, ये हमारे पास फील्ड हो गई नॉर्थ और ये हमारे पास हो गया साउथ. ओके, सो ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है. अगर ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट ही सपोज करिए है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जो ना तो नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में होगा ना तो साउथ के. जाहिर सी बात है, सम पोर्शन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ एंड सम पोर्शन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ. सो ऐसा एक पोर्शन है जहाँ पे ना तो नॉर्थ है ना साउथ है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एंड जनरली इट इज 90 डिग्री टू द फील्ड एक्सिस. आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपकी फील्ड है. यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे नॉर्थ का इन्फ्लुएंस है और नॉर्थ का इन्फ्लुएंस डाउन होता जा रहा है. आपने बोला सर यहाँ पे नॉर्थ का इन्फ्लुएंस है और ये नॉर्थ का इन्फ्लुएंस डाउन होता जा रहा है. जैसे जैसे हम अहेड मूव करते जा रहे हैं यानी पोल इशू से दूर जाते जा रहे हैं, नॉर्थ का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है. और आपने बोला सर उसके बाद नॉर्थ का इन्फ्लुएंस खत्म हो जा रहा है और फिर यहाँ पर किसका इन्फ्लुएंस है, साउथ का इन्फ्लुएंस है. तो आपने कहा सर नॉर्थ का इन्फ्लुएंस और साउथ का इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके से डिक्रीज करता जा रहा है और अल्टीमेटली देर विल बी नाइदर नॉर्थ नाइदर साउथ. सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस. यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो ये पोर्शन पूरा हमारा नॉर्थ की तरह एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और ये पोर्शन हमारा पूरा साउथ की तरह एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन इस वाली एक्सिस पे ना तो नॉर्थ है ना तो साउथ है. कुछ लोग इसे ऐसे भी समझते हैं कि नॉर्थ का इन्फ्लुएंस इधर है साउथ का इन्फ्लुएंस इधर है, तो यहाँ पर जो पोजिशन मानी जाएगी वहाँ ना नॉर्थ होगा ना साउथ होगा, जिसे हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं. ओके, तो अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लेके यहाँ पे घूमूं तो ये नॉर्थ का इन्फ्लुएंस देगा ये साउथ का इन्फ्लुएंस देगा. लेकिन कंपास को जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ना मुझे नॉर्थ का इन्फ्लुएंस मिलता है ना साउथ का इन्फ्लुएंस मिलता है. इसका मतलब ये वाला एक्सिस क्या कहलाएगा, नाइदर इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ नाइदर इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस. मैग्नेटिकली ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल है. यहाँ नॉर्थ और साउथ का असर बिल्कुल बराबर है, जिसकी वजह से ये पॉइंट कहा जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस. अब ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल लूप जनरेटर का मैं अजम्पशन लेता हूं. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कॉयल है. ओके, ये एक टर्न की हमारे पास एक कॉयल है. ये मान लीजिए कंडक्टर ए है और ये मान लीजिए कंडक्टर डी है. यहां पे मैं दो कंडक्टर्स का नाम दे देता हूं. ब्लैक वाली लाइन कंडक्टर ए को बता रही है और ब्लू वाली लाइन कंडक्टर डी को बताने का काम कर रही है. तो मैंने इसे ए नाम दे दिया और इसे डी नाम दे दिया. ए हो गया और ये आपका डी कंडक्टर को दिखाने का काम कर रही है. अगर प्रेजेंट पोजीशन देखी जाए तो ए इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैक्सिमम नॉर्थ एंड डी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैक्सिमम साउथ. ओके, सपोज करिएगा मैं इस लूप जनरेटर को एक डायरेक्शन में घुमा देता हूँ. मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में इसे एज अ जनरेटर हमने घुमा दिया. तो जब मैं इसे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ और साउथ घुमाऊंगा तो देर विल बी अ फ्लक्स कटिंग. सो देर विल बी अ इंड्यूस्ड डीएमएफ एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो इंड्यूस्ड डीएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी निकालते हैं. तो आपने कहा सर कंडक्टर को इधर घुमा रहे हैं तो हम हमेशा फ्लक्स रिसीव करते हैं यहाँ. हमने कहा इधर घुमा रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी, इन टर्म्स ऑफ करंट इट इज़ अपीयरिंग टू बी आउटवर्ड. और यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम इधर घुमा रहे थे, इसे हम इधर घुमा रहे थे, तो इसे हम किधर घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ये नॉर्थ है. तो ये आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी दिखाई देगी, क्रॉस दिखाई देगी. आपने कहा सर आउटवर्ड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ करंट ऐसे आ रही है और यहाँ ऐसे. चूंकि ये करंट हमेशा पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन डिसाइड करता है, लोड, तो मैं इसे ईए नाम दे देता हूँ. और आपने कहा सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ईडी हो जाएगा. दोनों मान लीजिए इस समय 10 वोल्ट है. तो आपने बोला सर ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज ईएडी क्या नज़र आएगा, ईएडी आपको 20 वोल्ट्स नज़र आएगा. जहाँ ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल डी है, तो यहाँ पे ये इस समय पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये इस समय नेगेटिव नज़र आ रहा है. ठीक है, ये इंस्टेंट है,
एक इंस्टेंट। मान लीजिए मैं इसको एक रोटेशन पर सेकंड की रफ्तार से घुमा रहा हूँ, तो आपने कहा सर जब 90 डिग्री आप फर्दर रोटेट करेंगे तो ये पोजीशन कहाँ पहुँच जाएगी? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। ये 0 डिग्री रोटेशन पे था, आपने कहा सर ये 0 डिग्री रोटेशन पे है, ये 0 डिग्री रोटेशन पे है, इसे 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। तो जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये नॉर्थ और साउथ के इन्फ्लुएंस में हमारा कंडक्टर ए यहाँ पहुँच जाएगा और डी यहाँ पहुँच जाएगा। ये दोनों कहाँ पहुँच गए? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद आपने कहा सर देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो अगर हम देखते जाएं तो फ्लक्स क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं फ्लक्स कम होता जा रहा है। फ्लक्स कम होते जाने का मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस डीएमएफ डी फाइव बाई डी टी है। तो अगर फ्लक्स कम होता जा रहा है तो इंड्यूस डीएमएफ जो कि फ्लक्स पे निर्भर कर रहा है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इंड्यूस डीएमएफ घटता जा रहा और यहाँ पे आके इंड्यूस डीएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया। और फिर फर्दर अगर मैं इसको 90 डिग्री का रोटेशन दे दूँ, यानी आपके वहाँ से 180 डिग्री के रोटेशन पे, तो आपने कहा सर अगर हम 180 डिग्री का रोटेशन देखें तो 180 डिग्री के रोटेशन पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है। आफ्टर परफॉर्मिंग 180 डिग्री रोटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, आपने कहा सर डी यहाँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आ जाएगा और ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ आ जाएगा। ये आपका ए और डी हो गया, ए ये आपका आ गया ए और डी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ। चूंकि ये इस डायरेक्शन में आप घुमा रहे थे, इसे घुमा किस डायरेक्शन में रहे थे हम, इस डायरेक्शन में हम घुमा रहे थे एज अ जनरेटर, तो यहाँ पे इंड्यूस डीएमएफ की पोलैरिटी डॉट हो जाएगी और यहाँ क्रॉस हो जाएगी। यानी डॉट का मतलब यहाँ आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। आपने कहा सर ये आपका ईडी हो जाएगा जिसकी पोलैरिटी पलट गई और ये आपका ईए हो जाएगा। फिर 10 वोल्ट और 10 वोल्ट क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ नॉर्थ और साउथ के इन्फ्लुएंस में है तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, आपने कहा सर ईएडी अब जो हुआ वो डी क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो यहां से कंपेरेट किया जाए तो डी पहले क्या था, नेगेटिव था, अब डी क्या है, पॉजिटिव है। यानी ई ए डी आपका माइनस ऑफ 20 वोल्ट्स आपको नजर आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अब ए वाला टर्मिनल क्या हो गया है, नेगेटिव। ये है आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। तो आपने कहा सर हम जैसे जैसे रोटेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं पोलैरिटी बदलती जा रही है। अगर हम फर्दर रोटेट करेंगे तो फिर से क्या होगा, इंड्यूस डीएमएफ घटने लगेगा। आफ्टर 270 डिग्री ऑफ रोटेशन वी रीच एट दिस पॉइंट। अगर हम नॉर्थ और साउथ ले लें तो आफ्टर 270 डिग्री ऑफ रोटेशन वी अगेन रीचेस टू दिस पोजीशन वेयर ए रीचेस टू दिस पोजीशन एंड डी रीचेस टू दिस पोजीशन। अगेन देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द कंडीशन जब हम 270 डिग्री घुमा दिए आफ्टर 270 डिग्री ऑफ रोटेशन। ओके, आपने कहा सर आफ्टर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन वी अगेन गेट द सेम थिंग। ओके, सो आपने कहा सर यहां पे जो फ्लक्स है वो क्या होता जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की अगर बात की जाए तो नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं? तो आपने कहा सर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ सेंटर में मैक्सिमम है और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं फ्लक्स घटता जा रहा है। सेंटर में मैक्सिमम है और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं फ्लक्स घटता जा रहा है। यहाँ पे फ्लक्स आपका रिवर्स डायरेक्शन में साउथ की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, सेंटर में मैक्सिमम है और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे हमारा फ्लक्स क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो आपने कहा सर जब हम रोटर को रोटेट करा रहे हैं तो हमारा फील्ड मैक्सिमम है यहाँ पे, इस वजह से इंड्यूस डीएमएफ डी फाइव बाई डी टी मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डी फाइव बाई डी टी घटता जाएगा, इस पोजिशन पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद इंड्यूस डीएमएफ डी फाइव बाई डी टी ऐसा होगा कि पोलैरिटी पलट जाएगी, पोलैरिटी पलटने के बाद बढ़ने लगेगी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटने लगेगी, घटते घटते फिर से क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो होने के बाद फिर अगर हम रोटेट करते हैं तो वापस हमारा फिर से क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन। तो आपने कहा सर अगर हम यहाँ पे इंड्यूस डीएमएफ की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंड्यूस डीएमएफ की फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ रहा है। अगर इंड्यूस डीएमएफ की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो आपने बोला सर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ साइकल्स। अगर ध्यान से देखिए तो आपने कहा सर अगर इंड्यूस डीएमएफ को हम प्लॉट करें तो इंड्यूस डीएमएफ प्लॉट कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा प्लीज़।
आपने कहा सर इस कंडीशन में 20 वोल्ट है, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा मैं आपको फ्लक्स को बढ़ता और घटता हुआ, इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ता और घटता हुआ दिखाऊंगा। ये आपका हो गया ब्लैक और ब्लू, यहां पे मैं ब्लैक और ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ब्लू वाला जो है वो आपको डी का दिखा रहा है और ब्लैक आपको जो है वो ए इसका ए का दिखा रहा है। आपने कहा सर इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए मैंने ये लेंथ को मैक्सिमम पे पकड़ा है, मैक्सिमम के लिए इस लेंथ को मैक्सिमम पे पकड़ा है। जैसे जैसे आप रोटेट करते जाओगे, रोटेट करने के साथ साथ ये मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड मैं घटाता जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर पहुँच के आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो। तो इस वाली पोजीशन पे मैग्नीट्यूड हो गया जीरो, और उसके बाद जब आप आगे की साइड में मूव करेंगे तो ये क्या हुआ, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में ये फ्लक्स क्या हुआ, पलट गया, और नॉर्थ साउथ के इन्फ्लुएंस में ये फ्लक्स क्या हुआ, पलट गया। अब आपने कहा सर जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड में बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या पहुँच गया, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि फ्लक्स हमारा बढ़ता जा रहा है। तो आपने कहा सर अगर ये 20 वोल्ट्स था जीरो डिग्री ऑफ रोटेशन पे, अगर ये 20 वोल्ट्स था क्या वी ए डी या ई इंड्यूस डीएमएफ ई ए डी 20 वोल्ट्स था, तो बढ़ते हुए रोटेशन के साथ ये कम होता जा रहा था। 90 डिग्री ऑफ रोटेशन के बाद हमारा फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। सो इंड्यूस डीएमएफ क्या हो गया था, जीरो। उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था, और 180 डिग्री ऑफ रोटेशन के बाद ये हमें मिला -20 वोल्ट्स। 180 डिग्री ऑफ रोटेशन के बाद ये हमें मिला -120 वोल्ट्स। फिर आगे हम जब फर्दर रोटेट करना स्टार्ट किए, जब यहाँ के बाद हमने फर्दर रोटेट करना स्टार्ट किया, हम यहाँ पहुँच गए थे मैक्सिमम पे, और ये हमारा मैक्सिमम पे था। जब हमने फर्दर रोटेट करना स्टार्ट किया तो फिर ये कम होने लगा, और कम होते होते ये फिर से क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो आपने कहा सर ये फिर से कम होने लगा, और कम होते होते 270 डिग्री ऑफ रोटेशन पे फिर ज़ीरो हो गया, और फिर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन पे पहला वाला कंडीशन वापस अचीव हो गया। तो आपने बोला 360 डिग्री ऑफ रोटेशन पे आपको ये मिला। तो ये मैंने डिग्री ऑफ रोटेशन के टर्म्स में आपको दिखाया कि जो वोल्टेज जनरेट हुआ हमारे इस सिंपल लूप जनरेटर में, वो वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है। आई एम होपिंग कि आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई। देखिएगा जरा, आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये एक साइकिल कंप्लीट किया है, एक साइकिल कंप्लीट किया इसने, एक साइकिल कंप्लीट किया, यानी आप कह सकते हो सर नंबर ऑफ साइकल्स इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितनी साइकिल कंप्लीट करेगा। ये दो पोल की मशीन थी, तो दो पोल की मशीन होने की वजह से ये एक रोटेशन में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। थोड़ी देर के लिए सपोज करिए चार पोल की मशीन होती तो क्या होता कि ये जहां से साउथ से नॉर्थ तक में ही पोलैरिटी बदल जाती, एक हाफ साइकिल, और फिर नॉर्थ से साउथ तक एक कंप्लीट साइकिल हो जाती, फिर साउथ से नॉर्थ तक एक साइकिल होती, फिर नॉर्थ से साउथ तक एक और साइकिल हो जाती। तो चार पोल होता तो दो साइकिल, छह पोल होता तो तीन साइकिल, आठ पोल होता तो चार साइकिल, विजुलाइज करिएगा। तो आपने कहा नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन रोटेशन इज इक्वल टू, या मैं कह सकता हूं पी बाई टू, जहां पी नंबर ऑफ पोल है। आपने कहा सर दो पोल हैं तो एक साइकिल, चार पोल होते तो दो साइकिल कंप्लीट किया होता है ना। अगर चार पोल होते तो आप बोले सर यहां से यहां पर आते समय एक साइकिल आधी साइकिल होती, और यहां से यहां तक आधी साइकिल होती, फिर यहां से आधी साइकिल, और यहां से आधी साइकिल। तो आपने कहा सर अगर चार पोल होते तो दो साइकिल होती, तो चार बटा दो, आपने कहा दो साइकिल। अगर यही छह पोल होते तो 6/2 थ्री साइकिल, 8 पोल होते तो 8/2 फोर साइकिल। ओके, सो नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन रोटेशन इज P/2, एंड नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड क्या होगा। तो आपने कहा नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड क्या होगा, अगर मान लीजिए n स्पीड है RPM में, तो अगर RPM में स्पीड है तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस इन वन सेकंड। सो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड, या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड आपका हो जाएगा पी इंटू एन बाय 2 into 60। सो यू कैन से सर पी एन बाय 1/20। सो यहां पर ये एन क्या था, आपने कहा सर एन क्या था,
N is the relative speed between field and winding. Field stationary थी, winding घूम रही थी. अगर winding stationary होती, field घूम रही होती, तब भी यही था. अगर winding stationary होती, field घूम रही होती N RPM से, तब भी यही था. अब आपने कहा सर अगर फील्ड और वाइंडिंग दोनों घूम रहे होते तो, अगर फील्ड और वाइंडिंग दोनों घूम रहे होते तो जाहिर सी बात है सर ये एक साइकिल कंप्लीट कितने देर में होती, दैट इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग. क्या मेरी बात समझ पाए? सो दिस एन इज नथिंग, दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग. अब अगर मैं बात करूं थ्री फेज इंडक्शन मशीन की, तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन में फील्ड और वाइंडिंग दोनों घूम रहे हैं, तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे निर्भर करेगा? रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड और वाइंडिंग. क्योंकि एक रोटेशन जो आपका पूरा हो रहा है वो आपको एक साइकिल समझा रहा है दो पोल की मशीन में. क्या मेरी बात को समझ पाए? ओके, सो इसका मतलब ये एन जो है वो एन क्या है, यहां पे ये एन जो है वो आपको समझा रहा है रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग. This is the relative speed between field and winding. Now I am hoping कि आपको ये 120 F by P या F is equals to P NS by 120 समझ में आया. आपने कहा सर number of cycles in 1 second ही क्या होता है? Frequency. So frequency of induced EMF is P delta N by 120, where delta N is representing relative speed between field and winding. Okay? ओके, हमने देखा रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग पे निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या था? पी डेल्टा एन बाय 120, वेयर पी इज नंबर ऑफ पोल. आपका स्टेटर और रोटर दोनों के लिए सेम ही होता है. तो आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पी डेल्टा एन बाय 120 है, जहां पे डेल्टा एन मैंने क्या समझाया, दैट इज रिलेटिव स्पीड, दैट इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग, बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग. अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा. सपोज करिए हमारे पास एक मशीन है, ये हमारे पास एक मशीन है. ओके, अब मान लीजिए ये मशीन हमारे पास दो पोल की मशीन है. मैं हर एक केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जानने में इंटरेस्टेड हूं. ये हमारे पास एक दो पोल की मशीन है जहां पर हमारा पोल रोटेट कर रहा है. सपोज करिए ये हमारे पास एक दो पोल की मशीन है. मैं सिंक्रोनस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी इंडक्शन ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये इंडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आप मान लीजिए ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ है, परमानेंट मैग्नेट समझ लीजिए. ओके, ये हमारे पास दो पोल की मशीन है. अब आपके पास इसको मैंने घुमा रखा है, सपोज करिए मैंने इसे घुमा रखा है 1500 RPM से. ओके, तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जानना चाहूं इन ए ए डैश, तो ए ए डैश में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? आपने कहा सर अगर हम देखें तो एक आधे रोटेशन में आधी साइकिल पूरी होगी और एक रोटेशन में एक साइकिल पूरी होगी, तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? आपने बोला पी इंटू डेल्टा एन बाय 120, जहां डेल्टा एन इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग. अभी वाइंडिंग रुकी हुई है और फील्ड घूम रही है, तो जाहिर सी बात है जो फील्ड की रफ्तार होगी वही रिलेटिव स्पीड कहलाएगी. तो पी के इन मामले में ये दो पोल की मशीन है, 1500 RPM है और 120, तो ये कितना आ जाएगा? आपने बोला सर ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. ओके, तो ये हो जाएगा 30 यू कैन फाइंड इट. फर्दर ऑब्जर्व, अगर सपोज करिए हमारे पास यही मशीन, अगर यही मशीन हमारे पास चार पोल की होती, ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से फील हो जाएगी. मान लीजिए हमारे पास ये मशीन चार पोल की होती, यही मशीन हमारे पास चार पोल की होती, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए ए डैश क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास ये मशीन चार पोल की होती और हम फिर पूछ रहे होते आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है, और इसको भी मैंने 1500 या मान लीजिए मैंने 1500 RPM से इसे घुमा दिया, और ये हमारे पास 1500 RPM से घुमा दिया, और ये हमारे पास कंडक्टर है ए ए डैश. मैं ए ए डैश में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जानना चाहता हूँ. तो अगर ए ए डैश में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जाए,
तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? आपने बोला सर ये नॉर्थ से साउथ तक आधी साइकिल पूरी करेगा और फिर साउथ से नॉर्थ तक एक पूरी साइकिल, यानी आधे रोटेशन में ये एक साइकिल पूरी करेगा तो एक फुल रोटेशन में ये दो साइकिल पूरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया? आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड में जगह पी डेल्टा एन बाय 120, यानी पी यहाँ पे है 4 इंटू डेल्टा एन हो गया 1500 बाय 120। देखिए जरा इसके कंपेरेटिवली यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 टाइम्स हो गई। अगर यही मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास फील्ड है और फील्ड रोटेटिंग है, फील्ड मान लीजिए रोटेट कर रही है, ध्यान दीजिएगा बेटा, मान लीजिए हमारे पास नॉर्थ और साउथ है और ये नॉर्थ और साउथ रोटेट कर रहा है, ओके, और रोटर जो है वो स्टेशनरी है। रोटर स्टेशनरी है मतलब कहने का कि रोटर रुका हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये स्टेशनरी रोटर है। तो अगर स्टेशनरी रोटर है, अगर स्टेशनरी रोटर का कंडक्टर है या स्टेशनरी बॉडी है, मैं इसे स्टेशनरी बॉडी कह देता हूँ ताकि रोटर से आपको कन्फ्यूजन ना मिले। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास स्टेशनरी बॉडी है, तो आपने बोला सर ये स्टेशनरी बॉडी है और ये हमारा नॉर्थ और साउथ रोटेट कर रहा है, तो ये एक साइकिल कितनी देर में पूरी करेगा? ये मान लीजिए आपका रोटेट कर रहा है 1500 आरपीएम से, तो ये एक साइकिल कितनी देर में पूरी करेगा? आपने कहा सर बात अभी भी वही है, पी डेल्टा एन बाय 120, जहां डेल्टा एन इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग। अब क्या है, फील्ड घूम रही है और वाइंडिंग रुकी हुई है, तो जितना तेज फील्ड घूम रही है वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो ये इंड्यूस डीएमएफ ए डैश में अगर निकाला जाए तो इंड्यूस डीएमएफ ए डैश में क्या आ जाएगा? पी हो गया 2, डेल्टा एन हो गया आपका आपका जो भी स्पीड है 1500 अपॉन 120। क्या मेरी बात समझ पाए? यहां पे ये 1500 क्या था? स्पीड ऑफ फील्ड, स्पीड ऑफ फील्ड। व्हाई? बिकॉज द वाइंडिंग इज स्टेशनरी, एज द वाइंडिंग इज स्टेशनरी। यहां पे डेल्टा एन क्या था? स्पीड ऑफ फील्ड, बिकॉज द वाइंडिंग इज स्टेशनरी, स्पीड ऑफ फील्ड, एज द वाइंडिंग ऑफ वाइंडिंग इज स्टेशनरी। यहां पे क्या था? स्पीड ऑफ फील्ड, स्पीड ऑफ फील्ड। क्यों? स्पीड ऑफ फील्ड बिकॉज द वाइंडिंग इज स्टेशनरी एंड फील्ड इज रोटेटिंग। अब मैं एक बात करता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास फील्ड और रोटर दोनों रोटेटिंग हो, यानी फील्ड और रोटर दोनों रोटेटिंग हो। आपने कहा सर मान लीजिए हमारे पास फील्ड और रोटर दोनों रोटेटिंग है, तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आप सपोज करिए 1500 आरपीएम से घूम रहा है, तो अगर ये 1500 आरपीएम से घूम रहा है तो फील्ड 1500 आरपीएम से घूम रही है, और ये कंडक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस कंडक्टर की रफ्तार मैं पकड़ लेता हूँ कि इसकी रफ्तार है सपोज करिए 1400 आरपीएम। तो आपने कहा सर अब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी? रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग, रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग। Now, what is the relative speed between field and winding? So, आपने कहा sir, relative speed between field and winding will now become delta n will now become आपका speed of the field minus speed of the rotor, speed of field minus speed of rotor, speed of rotor. So, आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1500 माइनस 1400, यानी कितना आ जाएगा? 100 आरपीएम। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ अब ए डैश में क्या होगा? आपने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ ए डैश में हो जाएगा हमारा पी डेल्टा एन बाय 120, जहां पे दो पोल की मशीन है, डेल्टा एन है 100 बाय 120। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आपने कहा सर इसके बजाय, ये सारे केसेस अलग अलग हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाले केस को चूंकि यहां पे कंडक्टर रुका हुआ था तो जो फील्ड की रफ्तार थी वही हो गई रिलेटिव स्पीड, यहां पे कंडक्टर रुका हुआ था जो फील्ड की रफ्तार थी वही हो गई, कंडक्टर रुका हुआ था जो फील्ड की रफ्तार थी वही हो गई, यहां पर कंडक्टर और फील्ड दोनों घूम रहे थे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड। और यही केस अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि कंडक्टर मान लीजिए आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ क्या होगा? ये आपका नॉर्थ और साउथ है स्टेटर का जो इस दिशा में घूम रहा है, सपोज करते हैं 1500 आरपीएम से, ओके, और हमारा रोटर है, रोटर को हमने क्या किया हुआ है, किसी एक्सटर्नल मींस के द्वारा इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रखा है, तो आपने बोला इसे इस डायरेक्शन में मान लीजिए
1400 आरपीएम से घुमा रखा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ इन ए ए डैश क्या होगा? अब जो फ्लक्स कटिंग होगी वो दुगनी रफ्तार से और इन दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी, यानी अब अगर बात करूं मैं तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग, बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग मतलब डेल्टा एन क्या हो जाएगा? आपने बोला सर स्पीड ऑफ फील्ड, स्पीड ऑफ फील्ड प्लस स्पीड ऑफ रोटर, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड ऑफ रोटर। तो दो, जब दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो तेजी से कट करता जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो धीमे कट कर रहा था। सो आपने कहा सर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ विल बिकम पी डेल्टा एन बाय 120। तो यहां पे भी दो ही पोल की मशीन है लेकिन डेल्टा एन बदल गया। अब डेल्टा एन कितना हो गया, 1500 प्लस 1400। सो आपने कहा सर 15 प्लस 14 इज योर 2900, सो 2900 आरपीएम। ये रिलेटिव स्पीड है बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग, 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 ये रिलेटिव स्पीड है बिटवीन फील्ड एंड वाइंडिंग।